हाँ, गजब का संयोग है, कानपुर का अपराधी। गृह मंत्री हमारे ये भी कानपुर के थे प्रभारी, और मध्य प्रदेश में पुलिस नहीं पकड़ती है, पकड़ता है महाकाल के मंदिर का गार्ड, समर्पण कर दिया उसने। मध्य प्रदेश में अपराधियों को समर्पण करने का सबसे सुरक्षित स्थान दिखता है। मैं मानता हूँ इंदौर की लूट, मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए जगह जगह सामूहिक हत्याकांड, गोली मारकर आपराधिक गतिविधियों के फूटे दिन पे दिन रोज आते हैं, बलात्कार रोज आता है, बेटियों की हर तरह की जितना कुख्यातपन अपराध का यहाँ हो सकता है रोज होता है। तो मैं मानता हूँ कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश देख रहा है, और उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लेने पे तुले हैं। उज्जैन में पकड़ा गया, मैंने देखा उनका ट्वीट, शर्म आती है मुझे कि अपराधियों ने अपने आप को सुरक्षित मध्य प्रदेश में महसूस कर रखा है। मध्य प्रदेश अपराध की शरण स्थली बन गई है, अपराधियों की शरण स्थली बन गई है। अपराधी समर्पण करने, अपने आप गिरफ्तारी देने, अब मध्य प्रदेश शिवराज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, शरणार्थी बन गए। मैं मानता हूँ उस पर भी मुख्यमंत्री वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा गार्ड उज्जैन के, उसने विकास दुबे को गिरफ्तार किया, पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है, सीमा पार कैसे कर गया, उज्जैन में दो दिन से था, कैसे हो रह रहा था, ये फेलीवर को नहीं बताएंगे और वाहवाही लूटेंगे। शर्म आनी चाहिए, अपराधों की राजधानी बना दिया मध्य प्रदेश को शिवराज जी आपने।